कोई रोको ना इनको, ये सूरज से मिलने को निकली, कोई टोको ना, ये तो खुद अपनी मंजिल है। हेलो जी, हेलो हेलो, नमस्ते भाभी जी, कैसे हैं आप? अब डॉक्टर साहब आइए ना, आइए आइए, अपना ही घर समझिए इसको, ऐसी कोई बात नहीं, और अपने ही लोग हैं डॉक्टर साहब। वो जो जी, वो जो पेशेंट जो बीमार है ना, वो मेरे पापा ही हैं। अनुज जी कहाँ हैं पापा जी? आइए 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 डॉक्टर साहब, भाभी जी मारे हैं। पापा जी कहाँ हैं आप? पापा जी, अनुज ये सब क्या है? मैंने राजीव जी को सब बता दिया। उन्होंने कहा कि पहले पापा जी की तबीयत संभालते हैं, वरना खामखा पंगा हो जाएगा। चलो। नमस्ते अंकल जी, नमस्कार, जय माता की। काफी दिन बाद दर्शन हुए आपके। ओहो हो, कैसी हालत हो गई आपकी पापा जी, बड़ा दुख लगता है। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत बढ़िया डॉक्टर आपके लिए लेकर आया हूँ, फट से ठीक कर देंगे। हैं ये डॉक्टर साहब। रुक जाइए डॉक्टर साहब, राजीव जी केस पेपर्स तो देख ले डॉक्टर साहब पहले। पापा जी को कुछ होना नहीं चाहिए। अरे यार, शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर है, और फिर हमारी प्रॉब्लम भी मैंने इसको अच्छी तरह समझा दी है। वो क्या है ना पापा जी, जितना रेस्ट करेंगे उतना अच्छा है। इस इंजेक्शन के लगने से ना पापा जी बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? पापा जी को मस्ती की नींद सोने दे कुछ दिन, और इस दौरान अपना सारा काम निपटा ले, सब सेट कर ले। आइए डॉक्टर साहब, आप प्लीज आप शुरू कीजिए। पापा जी संभाल ला जरा, देखते भी जरा। अरे देख, जा आगे जा। क्या कर रहे थे आप? कौन है अनुज? अबे हट, कौन है ये अनुज? डॉक्टर है, इंजेक्शन लगा रहे हैं अंकल जी को।
दिखता नहीं है, अंधा है, जानता नहीं कि अंकल जी की तबीयत खराब है, है? अनुज मैं नहीं हटूंगा, ना ही इंजेक्शन लगने दूंगा। अंकल जी का इलाज ऑलरेडी चल रहा है, वो मेडिकल सुपरविजन में है। उनके डॉक्टर को पूछे बगैर तुम कैसे कोई भी इंजेक्शन लगा सकते हो उन्हें? और वैसे भी किसका इंजेक्शन है ये? कौन सा इंजेक्शन है ये बताइए? ये ले ले, भाड़ में गया तेरा इंजेक्शन और तेल लेने जा तू। भलाई का जमाना ही नहीं है और तू भाई ये मेरी शक्ल पर बेवकूफ लिखा हुआ है क्या? तेरी तेरे घर के अंदर नहीं चलती, ये पहले बताना था, समझे? मैं तेरे जैसे लोगों में से नहीं हूं जो सबकी सुनता फिरूं। आओ जी डॉक्टर साहब आओ। मैं पता नहीं कौन। चलो चलो डॉक्टर जी चलो। क्या बात है अनुज, ये भल्ला यहाँ क्यों आया था? आंटी जी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन प्लीज आप मेरी बात। चुप रहो अभी। आंटी जी, अंकल जी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, रास्ते में भल्ला मिल गए। उन्होंने कहा उनके जान पहचान के बहुत बड़े डॉक्टर थे ये, एक तो वो उनको यहाँ पर लेकर आए, ऊपर से यहाँ इनकी जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है आंटी जी, पता नहीं किस लिए। लेकिन अनुज अभी वो पापा जी की हमदर्द, बहुत बकवास कर ली तूने, चल निकल यहाँ से, निकल इससे पहले कि मैं तुझसे बात नहीं कर रहा हूँ। अनुज आंटी जी आप मेरा विश्वास कीजिए, अंकल जी सिमी को उस दिन भी कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अनीता और अनुज पता नहीं। अबे बकेई जा रहा है, तुझे बोला ना निकल यहाँ से। पढ़ाया हम तर आंटी जी, आंटी जी सिमी का शक सही था, अब तो मुझे भी यकीन हो गया यहां जरूर कुछ गड़बड़ है। अनुज जरूर कुछ छुपा रहा है, उसने मुझे आंटी जी को भी बताने नहीं दिया, मुझे सिमी को बताना चाहिए। कहाँ जा रही हो? हमने कहा कहाँ जा रही हो? मुझे आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारा घर है, यहाँ हमारी मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिलता। मुझे मेरे मायके जाने से कोई नहीं रोक सकता, समझे? जाओ पूछना अपने माँ बाप से, कुछ और पैसे चाहिए तो हम भिजवा दें। हम जानते हैं तुम्हारे माँ बाप ने हमारे घर का रिश्ता क्यों माना। अमीर घर में अपनी बेटी की शादी करके अपने भोले दामाद को बेवकूफ बना के पैसे ऐंठ के वो अपना घर चलाना चाहते हैं ना, बहुत ही मक्कार लोग हैं, गिरे हुए लोग हैं तुम्हारे माँ बाप, कह देना उनसे। Thank you.
आंटी जी, आंटी जी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। मुझे तो उससे कोई बात नहीं करनी है, समझा तू? माँ प्लीज, एक बार आप अभी की बात तो सुन लीजिए, शायद वो कोई जरूरी बात बताना चाहते हैं। आंटी जी, क्या बात है दी? एक बार फिर आप इस घर में घुसी गई। मेरी जिंदगी में मेरे घर में एक बार फिर आग लगाकर कितनी खुशी मिलती है दी आपको मुझे तकलीफ देकर? ये तो क्या बोल रही है नीतू? मेरे सामने भोलेपन का नाटक मत करना दी। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ आप लोगों को, आपका पर्दा फाश हो चुका है दी। आप सबको ये दिखाना चाहती है ना कि पापा जी की फिक्र सिर्फ आपको है, सिर्फ आप है जो जानती है कि पापा जी को क्या चाहिए और क्या नहीं, और उसके लिए आप लोगों ने ओमी जी से पैसे लिए और पापा जी का इलाज करवाने चल दिए। नहीं नहीं तो हाँ दी, ढाबा गिरवी रखवाकर आपने उनसे पैसे लिए? नहीं नीतू। हाँ दी हाँ, मुझे ओमी जी सब कुछ बता चुके हैं। ओमी जी ने अपना ढाबा गिरवी रखा और अभी को पैसे दिए पापा जी के इलाज के लिए। आप लोगों की वजह से मुझे क्या कुछ नहीं सुनना पड़ा अपने ससुराल में, मुझे कितना कुछ सुनना पड़ा माँ पापा जी के खिलाफ आपकी गिरी हुई हरकतों की वजह से दी। मुझे उस नर्क में भेज कर भी अभी आपको ठंडक नहीं मिली है जो अब फिर मुझे तकलीफ पे तकलीफ देती रहती है। आखिर चाहती क्या है आप दी? कम से कम मुझे वहां पे तो चैन से रहने दीजिए। ओमी जी से पैसे लेकर खुद तो धर्मात्मा बन गई, सबकी सहानुभूति ले ली और मुझे वहां पे छोड़ दिया ताने सुनने के लिए। मां अगर आपको ये सब जानने के बाद भी दी को यहां इस घर में रखना है ना तो मुझे मार दीजिए। नीतू, इसमें सिमी का कोई दोष नहीं है, इसे पता तक नहीं था कि मैंने ओमी से। मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है अभी, तुम पहले बहुत कुछ कर चुके हो हमारे परिवार को नीचा दिखाने के लिए और अब बची कुची कसर सिमी दी पूरी कर रही है, इसीलिए आए थे ना आप यहाँ पर हमारी जिंदगी में अपनी मधुसियत फैलाने। बोल सिमी, जवाब दे। मैं इस घर से नहीं जाऊंगी माँ, मैं यहां रहकर पापा जी की देखभाल करूंगी। इस घर में मेरा भी हिस्सा है नीतू, तो ठीक है दी, इस घर में मेरा भी बराबर का हिस्सा है। आज ही ये सारा झमेला खत्म कर देते हैं। मैं आज ही इस घर के पेपर्स ले जाकर हम सबके हिस्से अलग करवाऊंगी। ना ही आप मेरी जिंदगी में दखल देंगी और ना ही मैं आपकी। बात यहीं खत्म।
प्रॉपर्टी के पेपर्स तो मेरे पास हैं। नीतू तो सब कबाड़ा कर देगी। तो तुम रोको ना उसे, तुम रोक नहीं सकती उसे, जाओ। क्या कर रही है नीतू, होश में आ। पागल हो गई है तू, इस वक्त तमाशा करेगी। अगर अंकल जी की तबीयत और खराब हो गई तो सारा दोष तुझ पर आएगा। समझने की कोशिश करनी तू। मैं सिमिति को सबक सिखा कर रहूंगी। तो सिखाना ना, लेकिन सही वक्त पर। अगर इस वक्त घर के पेपर्स मिल भी गए तो क्या होगा? सिमिति इस घर की सबसे बड़ी बेटी है, वो इसी बात का फायदा उठा सकती है, और खास करके इस मौके पर जब अंकल जी का ये हाल है। थोड़ा अकल से काम ले, जरा इंतजार करना तू, फिर सही मौके पे वार करना ताकि चोट निशाने पे लगे। गॉड सब संभल गया, वरना इस लड़की की बेवकूफी की वजह से तो सब कबाड़ा हो जाता। ऐसा क्यों किया सिमी तूने? सिर्फ इस घर में वापस आने के लिए? मैं कर लेती ना कुछ भी तेरे पापा जी के इलाज के लिए, लेकिन अपनी बहन के पति से पैसा मांगने से पहले एक बार तो सोचा होता। जो भी हो, लेकिन कम से कम आंटी जी, मैं तुझसे बात नहीं कर रही हूं। सिमी बख्श देनी तू को, मत सता मेरी बच्ची को। अगर तुझे इस घर में वापस आना है तो ठीक है, मैं छोड़ दूंगी यह घर अपने पति के साथ, और फिर तू चैन से रहना इस घर में अपने पति के साथ। सिमी, सिमी मेरी। बेचारा मेरा भाई, जिसने सिमी के लिए सब कुछ छोड़ा, आज वो ही उसे छोड़ के चली गई। अनीता, तुम अपनी और अनुज की चिंता करो। तुमने जो भी खिचड़ी पकाई है ना, मैं उसे पकने नहीं दूंगा। सिमी प्लीज मेरी बात सुनो। सिमी, सिमी, क्या जरूरत थी तुम्हें उम्मीद से पैसे लेने की, और तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? सिमी, तो फिर मैं इतने सारे पैसे कहां से लाता? देखो प्लीज मेरी बात सुनो, और वैसे भी ये बात मेरे और ओमी के बीच की है, तुम इसमें मत पड़ो ना। ये सब जानबूझ के तुम्हें भड़काने के लिए कर रहे हैं, ताकि तुम अपना मुंह फेरो और पापा जी को। ओमी के पहले हमारे ऊपर इतने एहसान है, ऊपर से तुमने जाकर एक बार भी ख्याल नहीं आया, वो मेरी बहन का ससुराल है अभी, और इसका नतीजा क्या होगा? सिमी, मुझे क्या पता था कि ओमी अपना ढाबा गिरवी रख देगा। सिमी, तुम्हें मुझ पर तो भरोसा है ना? मैं सब कुछ संभालूंगा, तुम पापा जी की सोचो। एटलीस्ट ये तो सुन लो कि मैंने तुम्हें कॉलेज से किस लिए बुलाया था। मुझे नहीं सुनना। सिमी, 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 मैं जो कहना चाहता हूँ बहुत जरूरी है। सिमी, सिमी, ये लोग यही चाहते हैं कि तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करो। सिमी प्लीज मेरी बात तो सुन लो।
सिमी, सिमी, ये क्या किया तुमने? तो और क्या करता मैं? तुम मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हो। आज जो तुम्हारे पीछे घर में हुआ वो मैंने अपनी आंखों से देखा था सिमी। मुझे भी यकीन हो गया सिमी कि यहां भी कुछ गड़बड़ है। क्या ये